है शासक, वह आक्रमण कर देता है, जिसमें फ्रांस भी अपनी 1 लाख से अधिक सैनिकों को लेकर शामिल होता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ समय पश्चात लोम्बार्डी की फ्रांस जो है संधि कर लेता है, युद्ध से हट जाता है और एक तरफा जाके लोम्बार्डी में संधि कर लेता है। और इससे जैसे हम आगे चल के ज्यूरिख की संधि करते हैं, इसमें जो है एक चीज होता है कि सर्डिनिया लोम्बार्डी का अधिकार जो है वो सर्डिनिया को मिल जाता है। तो यह इटली के एकीकरण का पहला चरण जो है पूरा होता है, जिसमें लोम्बार्डी जो है इटली के एकीकरण में मिलता है। फिर इसके बाद वह जो है ऑस्ट्रिया पर फिर मतलब आक्रमण करता है, वो काबुर जो है ऑस्ट्रिया पर पुनः आक्रमण करता है और ऑस्ट्रिया पर विजय करता है। ऑस्ट्रिया को अपने ऑस्ट्रिया के जो कई सिसली है ये सब राष्ट्र जो है अपने मिला लेता है। फिर बाद में वो फ्रांस पर भी आक्रमण करता है और अंत में जो है 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध होता है, जिसमें प्राग की संधि होती है जो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया के शासक के विरुद्ध होती है, जिसमें प्राग की संधि में उसको जो है सेडोवा का मतलब सेडोवा का युद्ध में उसको लोम्बार्डी मिल जाता है। अरे लोम्बार्डी नहीं, सॉरी, वो जो पश्चिमी मतलब उत्तरी इटली के अनेक राज्य उसको मिलते हैं। अब इसका डिटेल इसमें अभी हम नहीं बता पाएंगे, बताएंगे आपको, भेजेंगे मैसेज। इसके बाद जो है 1870 में जो है रोम पर वो चढ़ाई कर देता है, क्योंकि एक मध्य रोम ही ऐसा बचा रहता है जिसमें उसका शासन नहीं रहता। रोम पर वो लड़ाई चढ़ाई करता है और रोम के जो पोप है उसको 3 तरफ से घेर कर उस पर कब्जा कर लेता है। अंत में रोम पर अपना अधिकार कर लेता है और 1870 में सेडान के युद्ध में रोम के पोप की पराजय होती है।